हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंसेंट कंपनी के बारे में। जहां दोस्तों अभी पबजी कॉरपोरेशन ने टेंसेंट कंपनी को तो निकाल दिया। पबजी जो कि इंडिया में जो भी पब्लिशर थे उसके राइट्स निकाल दिया और टेंसेंट कंपनी को यहाँ पर निकाल दिया था। लेकिन अब यहाँ पर टेंसेंट कंपनी की एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई कि भाई साहब बहुत जगह से यहाँ पे यूएस में बैन हुई, उसके बाद इंडिया में बैन हुई और भी बहुत सारे कंट्रीज में कुछ उनके गेम्स है वो यहाँ पे बैन होते जा रहे थे और यहाँ पे टेंसेंट कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे टेंसेंट कंपनी ने अपना नाता तोड़ दिया है चाइनीज कंपनी से। जहाँ दोस्तों यहाँ पे चाइना से नाता तोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पे जो भी टेंसेंट कंपनी है वो यहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर संभाल के चल दी है सिंगापुर के ओर। जी हाँ गाइस, यहाँ पे बड़ी खबर अभी आ रही है कि अब यहाँ पे टेंसेंट कंपनी जो कि चाइना में थी वो यहाँ पे चाइना में नहीं रहेगी। अब उसे यहाँ पे सिंगापुर की तरफ रुख करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। आपको पता होगा बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि फिलहाल चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने की तुली पड़ी है और यहाँ पे इंडियन कंट्री ने तो भाई बहुत ही बड़ा यहाँ पे जितने भी थे चाइनीज़ कंपनी के एप्लीकेशन उन सभी को यहाँ पे हटा दिया। अगर थोड़ा सा भी हिस्सा अगर चाइना में हो, कुछ भी शेयर्स हो, तो डायरेक्टली इसे रिमूव कर दिया। आपको पता होगा पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट साथ ही टिकटॉक, हेलो ऐप, शेरिड, ऐसे बहुत सारे जो कि मेन मेन ट्रेंडिंग एप्लीकेशन थे, ज़्यादा कमाई हो रही थी, तो उन जैसे एप्लीकेशन चाइनीज एप्लीकेशन को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन तो कर दिया, साथ ही पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट को भी बैन कर दिया। इसके चलते भाई बहुत ज़्यादा लॉस यहाँ पे हो रहा है जो भी गेमिंग कंपनीज है। तो यहाँ पे टेंशन को तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो भी सिंगापुर को यहाँ पे रुक कर दिया है टेंसेंट कंपनी ने और अब यहाँ पे टेंसेंट कंपनी चाइनीज नहीं रहेगी बल्कि सिंगापुर हो जाएगी। तो क्या गाइस, अब पबजी मोबाइल अनबैन हो सकता है या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऑफिशियल कुछ यहाँ पे न्यूज निकल के नहीं आई है, सिर्फ यहाँ पे कहा जा रहा है कि टेंसेंट कंपनी ने सिंगापुर के लिए रुक कर दिया, मतलब जो भी नाता था चाइनीज कंपनी से वो यहाँ पे हट दिया है। तो यहाँ पे हो जाते ज्यादा चांसेस कि पबजी अब अनबैन हो जाए यार यहाँ पे टेंसेंट ही या कोई पब्लिशर हो जाए, क्योंकि अभी जो भी टेंसेंट कंपनी वो सिंगापुर को रुक कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे सिंगापुर कंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे चाइनीज जो भी एप्लीकेशन है वो बैन हुए थे, साथ ही प्राइवेसी का मामला तो है बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर अगर देखा जाए तो चाइनीज जो भी एप्लीकेशन है उनको यहाँ पे बैन किया गया था, ना कि कोई और एप्लीकेशन को। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ भी यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन थी वो फिलहाल यहाँ पे चाइनीज थी, इस वजह से ज़्यादा करके बैन हुई है और प्राइवेसी का भी मामला तो है क्योंकि सभी जो भी चाइनीज एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डाटा लीक करती थी, इस वजह से यहाँ पे उनको बैन कर दिया था। अगर यहाँ पे टेंसेंट कंपनी जो भी प्राइवेसी का मामला है उसे यहाँ पे निपटा देते, सॉल्व कर देते और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे जो भी लॉज उनको बताए गए उसे यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे पबजी आपको अनबैन होने के देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पे चाइना से कोई नाता नहीं रहेगा, तो यहाँ पे अगर प्राइवेसी को ठीक कर लेते तो यहाँ पे आपको जो भी गेम है पबजी मोबाइल या पबजी मोबाइल लाइट जो भी टेंशन के रिलेटेड गेम्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पर जल्दी ही पबजी भी अनबैन हो जाएगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। ये मेरी राय, जो भी मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता था मैंने वो यहाँ पे मैंने बता दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर सिंगापुर तरफ यहाँ पे आ जाती है टेंशन कंपनी तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि पबजी अनबैन हो जाए और भी बहुत सारे जो भी एप्लीकेशन है पबजी मोबाइल लाइट भी यहाँ पे अनबैन हो जाएगी। तो यहाँ पे टेंशन जो भी कंपनी है वो यहाँ पे चाइना में तो आप फिलहाल नहीं रहेगी, सिंगापुर हो जाएगी। तो देखते हैं क्या यहाँ पे खबर निकल के आते, आगे में जो भी खबर आएंगे मैं आपको अपडेट करता जाऊँगा। तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। तो चले मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।